हेलो एवरीवन। तो आज का जो मार्केट था, मैं बताऊंगा कि मैं ये मार्केट कब से कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट। उससे पहले मैं आज का जो मार्केट का जो सिनेरियो है वो मैं बता देना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग अकाउंट देखोगे तो अभी टोटल कैश 18,000 दिखा रहा है, अवेलेबल टू ट्रेड 11,000 दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 11,000 से आज मैंने ट्रेडिंग किया था। जो कैपिटल मैंने यूज़ किया था वो 11,000 के अप्रॉक्स मैंने यूज़ किया था, और उससे जो मेरे प्रॉफिट बने हैं वो आज का है 7,062। ठीक है, 7,062 रुपीज़ आज का जो मेरा ये प्रॉफिट है। इसमें क्या है कि जो मैंने इस हर स्टॉक से अलग अलग पैसे मैंने बनाए हैं, अलग अलग स्टॉक से अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट करके मैंने पैसे बनाए हैं। ये अतुल वाले में मेरे को 685 का लॉस हो गया। अगर मैं चाहता तो इसकी एक्सपायरी 31 अक्टूबर को है, मैं इसको एक हफ्ते के लिए होल्ड कर सकता था। और जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस थी वो थी 70 पे, और ये 67 से अभी 62 आई हुई थी। मैं चाहता तो मैं इसको होल्ड कर सकता था, बट क्योंकि मार्केट का ये नहीं पता कि कल माइनस में खुलेगी या प्लस में खुलेगी, क्योंकि जब मार्केट खुलती है उसके बाद अपन एक स्ट्रैटेजी बना पाते हैं कि मार्केट अप डाउन जाएगी या अप जाएगी, बुलिश है बेयरिश है, वो अपन चेक करते हैं जब मार्केट बीच में होता है तो। बट अभी ओपन होते से मार्केट, अब कोई न्यूज़ आ जाए ऐसा मार्केट में कि उससे कि क्या हो कि मार्केट 500 1000 पॉइंट नीचे खुल जाए, फिर स्टॉक सारे गिर जाते हैं, फिर उनको ऊपर जाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको होल्ड नहीं किया, यही रीज़न था। तो आज का जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 7,062, अकाउंट में है 18,000, और जो मैंने एक परसों वीडियो डाली थी उसमें मेरे को अप्रॉक्स 10,000 प्रॉफिट हुआ था। वो मिड कैप निफ्टी में मैंने 0-0 ट्रेड लिया था एक्सपायरी के दिन, मंडे के दिन। ठीक है, तो अभी टोटल कैपिटल हो गया 17,000 के अप्रॉक्स मेरा टोटल कैपिटल होगा, 17,500 के आसपास, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ काट वाट के टैक्स वगैरह दे होगा। ठीक है, तो फिर अपन कल भी ट्रेड करेंगे, कल फ्राइडे 17,000, तो फिर कल का वीडियो मैं कल डालूंगा। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली इतना प्रॉफिट हुआ कैसा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि तुक्का लगाया होगा या फिर किसी के कहने पर किया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 3-4 सालों से कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने बहुत सारे धक्के खाए हैं, बहुत सारे लॉसेस खाए हैं, लाइक स्टॉक्स में भी, ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। मतलब बहुत लॉस होने के बाद, बहुत ज़्यादा लॉस फेस करने के बाद आज है कि मतलब एक ऐसा है अपना कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपन 1,000 2,000 तो डेली का ऐसे, मतलब 1,000 2,000 डेली का तो अपन बना ही लेते हैं विथ मिनिमम कैपिटल 10,000 to 15,000। 10-12 हज़ार रुपये लगा के 2 से 3 हज़ार रुपये अपन डेली का तो बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और जो भी स्टॉक्स मैं पिक करता हूँ वो वॉलीटिलिटी के हिसाब से मैं पिक करता हूँ। जैसे कि मैंने ये अतुल लिया था, कोलपल लिया था, लालपत लैब लिया था, तो ये सारा जो है ये मैं स्ट्रैटेजी इनका फंडामेंटल और वो देखता हूँ, और जब इसमें मूवमेंट आने वाली होती है तो मैं उस मूवमेंट को पकड़ के मैं ट्रेड बनाता हूँ। चाहे आप ट्रेडिंग कैसे भी करो, स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे करो, डिलीवरी करो, कुछ भी करो, बट द थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो 100 रुपये का हो या 1 लाख का, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, वो माइनस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग करो। तो अभी मैं अपने इस चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड तो सारी वीडियोज़ डालूंगा ही डालूंगा, प्लस मैं अगर डेली बेसिस, क्योंकि बैंक में बहुत काम होता है तो अपन बहुत सारे ट्रेड है जो कि रह जाता है अपन कर नहीं पाते, तो मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग का तो मैं डालूं ही डालूं, साथ में ट्रेडिंग के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि बैंकिंग का भी वीडियो सारा डालूं, ताकि दोनों डाल दूं और दोनों को दोनों आप लोग देख पाओ। ठीक है, क्योंकि एक अलग सोर्स ऑफ इनकम, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना सबके लाइफ में बहुत जरूरी है, ताकि साइड से कोई इनकम आता रहे, चाहे वो 1,000 आए 2,000 आए चाहे जितना भी आए। तो किसी को अगर मेरे साथ ट्रेड करना हो या फिर किसी को अगर ट्रेड सीखना हो थोड़ा बहुत ही, मतलब जितना मेरे को आता है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं बट मेरे को जितना आता है, या फिर मेरे साथ अगर किसी को ट्रेड लेना हो या फिर सीखना हो तो प्लीज़ मेरे को मेल करना या फिर व्हाट्सएप कर लेना मेरे नंबर पे। मैं जब भी ट्रेड लूँगा, जो भी ट्रेड लूँगा मैं बता दूंगा, आप लोग भी लेके 500 1000 रुपये डेली का बना सकते हो। ठीक है, वो अलग चीज़ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आपसे चार्जेस ले रहा हूँ या फिर आपके प्रॉफिट का मैं शेयर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को ये है कि अगर कोई करना चाहता है तो सीख ले और ख़ुद से करे। ठीक है, तो इस ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि जैसे कि अभी क्या था कि मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था तो मेरा कल 100% कैपिटल निकल गया था। ठीक है, फिर आज मेरे को 7,000 के अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट है, जो कि 6,500 के अप्रॉक्स आ जाएगा सब कुछ काटवाट के, ब्रोकरेज और जो भी चार्जेस हैं। ठीक है, बाइंग सेलिंग के चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, 20-30 रुपये एक बार के लगते हैं। ठीक है, एक बार बाई और एक बाई सेल के, तो ऐसा है। तो अभी क्या है कि अपन कल फिर 17,000 से ट्रेड करेंगे, और कल का टारगेट रहेगा 1,000 1,500 रुपये लेके निकल जाना, क्योंकि कल फ्राइडे है, वीक है, लास्ट है, और फिर अपन मंडे से फिर इसको रेगुलर करेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज।